पंजाब असेंबली का आज इजलास। छह अरकान की मौतली के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में तल्खी खत्म ना हो सकी। दोनों ने ही अलग अलग मुशावरत तलब कर ली। हमजा शहबाज की क्यादत में अपोजिशन अपना लायहा अमल तय करेगी तो हुकूमती कवर टीम भी मुशावरत के लिए सर जोड़ कर बैठेगी। आज दोपहर 2 बजे होने वाले असेंबली इजलास में हंगामा खेजी का इम्कान। अदालती बेलफ की थाना शाहदरा में कार्रवाई। गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 2 शहरी बाजियाब हुसैन अली और आबिद अली को थाने में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया था। शहरियों को सेशन अदालत में पेश कर दिया गया। अपोजिशन खवातीन को नशिस्तें अलॉट करने का मामला। खवातीन अरकान ने स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से अलॉट नशिस्तें मुस्तरद कर दी। खवातीन अरकान असेंबली को बिल्कुल आखिरी नशिस्तें अलॉट की गई हैं। अपोजिशन खवातीन का एहतजाजन अलॉट की गई नशिस्तों पर ना बैठने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद यावर अली मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद आज रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस यावर अली के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, साथ ही जजेस रुखसत करेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस अनवारुल हक नए चीफ जस्टिस होंगे, कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़मतुल्लाह अवान और साबिर हुसैन डाहर का मॉडल टाउन कचहरी का दौरा। कचहरी के दरवाजों पर लेडी कॉन्स्टेबल भी तैनात करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने मेडिकल मोबाइल यूनिट के लिए कौमी खजाने से 5 करोड़ लिए। शहबाज शरीफ की बनाई हुई मोबाइल मेडिकल यूनिट चल न सकी। हमने 70 लाख में मेडिकल मोबाइल यूनिट बना डाला। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत सेहत के बजट को गरीब पर लगाए। शहबाज शरीफ कौमी असेंबली इजलास में अपना रोना रोते रहे। साबिक हुकूमत ने सेहत के नाम पर जाली कार्ड दिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद बोले, वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क का मुआशी चैलेंज कबूल किया। अवाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, अरबों रुपए के कर्जे उतारेंगे। ज़िमनी इलेक्शन तो नहीं जीत सके लेकिन NA 131 में तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। पोश इलाकों में टर्नआउट 17% निकला। हल्के में तरक्याती काम जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर का खिताब। और अदाकारा रेशम की आज सालगिरह। दोस्तों के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। खुशियों में शरीक होने पर दोस्तों का शुक्रिया अदा किया।